आज की क्लास में स्टार्ट करते हैं कुछ नया। सर नया क्या है? तो नए की हेडिंग समझो। नया क्या कहता है? द लॉ कमेटी, जीएसटी के अंदर जो लॉ कमेटी हैज रिकमेंडेड, उसने रिकमेंडेशन दी है कि अमेंडमेंट इन वेरियस प्रोविजन ऑफ द एक्ट, कि जो सीजीएसटी एक्ट है जिसके अंदर 174 सेक्शंस है उसके अंदर कुछ अमेंडमेंट करो। सर क्यों करें अमेंडमेंट? इन अमेंडमेंट्स की जरूरत क्या है और ये अमेंडमेंट्स कैसे होंगी? भाई ये वाली जो अमेंडमेंट होगी, मेरे हिसाब से जब बजट आएगा, बजट कब आएगा? फरवरी में, 22 में ये अमेंडमेंट तब होंगी। सर अभी चल क्या रहा है? अभी चल रहा है भाई आज 31 अक्टूबर। सर 4 महीने पहले सीख ले। मैंने कहा हाँ सीख लो, फायदा क्या होगा, मजा आ जाएगा, क्योंकि नए सेक्शंस है, एक बार से दिमाग में रिटेन नहीं होंगे। तो जब फरवरी में आएगा तब दोबारा पढ़ लेना, तो तुम्हें पता होगा ये तो हम पहले से ही पढ़ चुके हैं। और अभी जो जीएसटी में प्रैक्टिस व्यक्ति कर रहा है उसे अपने क्लाइंट्स के साथ डील करने में भी आसानी होगी कि भाई आगे आने वाले समय में ये सेक्शन चेंज होने वाले हैं। डिपार्टमेंट से बात करने में आसानी होगी। सर क्या आसानी होगी? कि भाई अगर डिपार्टमेंट हम पे कोई नोटिस डालकर बैठा है, कोई रिकवरी कर रहा है, तो हम बता देंगे कि भाई रुक जाओ, अभी हमसे रिकवरी मत करो, क्योंकि ये वाले सेक्शन तो क्या होने वाले, चेंज होने वाले। तो मैं ये आपको एक स्पेशल क्लास बता रहा हूँ, ठीक है? ये वाले वो सेक्शन है जो बजट 2022 में चेंज होंगे, लेकिन लॉ कमेटी ने पहले से ही बोल दिया कि भाई इन सेक्शंस को चेंज करो। अब ये कहानी कहाँ से शुरू हुई? कहानी शुरू हुई 42 जीएसटी काउंसिल मीटिंग से। सर 42 जीएसटी काउंसिल मीटिंग हुई थी अक्टूबर 2020 में। अक्टूबर 2020 में जब ये मीटिंग हुई तो इसमें इन्होंने रिकमेंड करा और कहा कि जो हम एक नया सिस्टम लाने वाले थे रिटर्न्स का, सहज सरल ANX 1 और ANX 2, उसे नहीं लाएंगे और उसकी जगह पर जो प्रेजेंट सिस्टम है 1 और 3B का, अभी कौन सा सिस्टम चल रहा है, 1 और 3B का जो सिस्टम है, हम वो लेकर आएंगे या इसे ही हम कंटिन्यू करेंगे, रिटर्न फाइलिंग भी कंटिन्यू। लेकिन जब हमने 1 और 3B के लिए आपने बोला कि आप इसे कंटिन्यू करोगे, जो ये जीएसटी एक्ट 2017 बना हुआ है ये 1 और 3B के लिए नहीं बना, ये बना किसके लिए था? 1, 2, 3 के लिए। तो भाई जब तुमने ये डिसाइड कर लिया कि भाई अब 3 नहीं आएगी, अब GSTR 3 नहीं आएगी, तो जो पुराना एक्ट बना हुआ इसे आप क्या करो, चेंज करो। आपने जब ANX 1 को मना कर दिया, ANX 2 को मना कर दिया, उसके लिए कुछ सेक्शन लेकर आए थे, आप उन सेक्शनों को डिलीट करो। तो इस बात को लेते हुए कि भाई जो प्रेजेंट सिस्टम है GSTR 1 और 3B का कंटिन्यू रहेगा, तो इन्होंने कहा कुछ सेक्शनों को चेंज करने की जरूरत है, नहीं तो ये लिटिगेशन बढ़ता रहेगा। तो इन्होंने क्या करा, इन्होंने कहा ठीक है, द जीएसटी लॉ मे बी अमेंडेड। यहां पर वर्ड मैं क्या यूज कर रहा हूं, मे, क्योंकि भाई ये भविष्य की बात है। जितने मैं सेक्शन आपको बता रहा हूं इसमें से मेरा मानना ऐसा है कि 90-95% सेक्शन अमेंड होंगे ही, इसमें ऐसी कोई दिक्कत नहीं रहेगी, लेकिन 2-4% का वेरिएशन आ सकता है, ठीक है? तो कहता है जीएसटी लॉ मे बी अमेंडेड टू मेक द GSTR 1 और 3B रिटर्न फाइलिंग सिस्टम एज डिफॉल्ट रिटर्न फाइलिंग सिस्टम। तो अब आप अपने जहन में एक बार डाल लो कि आने वाला सिस्टम क्या रहेगा, 1 और 3B का। सर जब 1 और 3B का रहेगा तो मैचिंग कैसे होगी? तो उन्होंने उसी चीज को क्या करा, जो पुराने सेक्शनों में चीजें लिखी हुई थी उन्हें डिलीट कर दिया और उन चीजों को कहीं और डाल दिया, किसी और सेक्शन में चेंज कर दिया। तो जो सबसे पहला सेक्शन चेंज हुआ वो हुआ सेक्शन 37। क्या हुआ जी? सेक्शन 37। अब जब मैं ये चेंजेज आपको बता रहा हूं, ठीक है, और आप इस क्लास को तब सुने, तब इस क्लास को पढ़े जब आपने सेक्शन 37 की क्लास कर चुकी हो। मैं आपको इस स्टेज पर यह क्लास इसलिए बता रहा हूं क्योंकि आप सारी क्लासेस देख चुके हैं। अगर आपने अभी तक सेक्शन 37 की क्लास नहीं देखी है पुराने वाली, तो आप इस क्लास को अभी स्टॉप करें, पहले सेक्शन 37 की क्लास देखें। आप मेरे पॉइंट को समझ रहे हो? लेकिन जिन लोगों ने देखी है उन्हें पता है सेक्शन 37 पुराने वाला सेक्शन क्या कहता था। पुराने वाला सेक्शन ये कहता था कि भाई
आप GSTR 1 फाइल करोगे और सामने वाले के 2A में चली जाएगी। क्या वहां पर कहीं 2B की बात थी? नहीं थी। तो यहां पर लोगों को मन में एक बात थी कि जो सामने वाले ने GSTR 1 में कोई चीज डाल दी वो मेरे 2A में आ जाएगी, मुझे ITC मिल जाएगा। लेकिन एक प्रैक्टिकल डिफिकल्टीज आज के टाइम में है। क्या प्रैक्टिकल डिफिकल्टीज है, मेरी बात को समझना। प्रैक्टिकल डिफिकल्टी क्या है कुछ ऐसा समझना, मैं बात कर रहा हूँ फाइनेंशियल ईयर 2021 की। फाइनेंशियल ईयर 2021 में मेरे सप्लायर ने मुझे एक बिल डाल दिया, अप्रैल 2020 का कोई बिल दिया, समझना बातों को। अप्रैल 2020 का बिल दिया और वो बिल के ऊपर मैंने ITC क्लेम कर ली, लेकिन मेरे सप्लायर ने अभी तक अपनी GSTR 1 फाइल नहीं करी। कौन से महीने की? अप्रैल 2020 की, ठीक है। या उसने फाइल करी तो मेरा बिल उसमें शो नहीं करा, कुछ भी हो सकता है। अब जब मैंने उसे फोन करा, मैंने कहा भाई मेरे सप्लायर तूने मेरा बिल मेरे 2A 2B में नहीं आ रहा। उसने कहा कोई बात नहीं, मैं इस बिल को आज डाल देता हूं। कब? 31 अक्टूबर 2021 को। और पोर्टल उसे अलाउ भी कर देता है, कर देता है या नहीं? जब वो पोर्टल उसे अलाउ कर देता है, वो बिल मेरे में डाल देता है या अमेंडमेंट हो जाती है, तो होता क्या है, वो बिल मेरे 2A में शो हो जाता है। किस में शो हो जाता है? 2A में। अब वो कहता है मैंने बिल डाल दिया, तुम्हारे 2A में शो हो गया, मेरा तो मुद्दा खत्म। लेकिन मैं उससे कहता हूं अब मैं इस बिल का क्या करूं, क्योंकि ये मेरे 2A में तो आ गया लेकिन ये मेरे 2B में नहीं आएगा, क्योंकि मुझे इसका ITC नहीं मिलेगा। मेरा नुकसान हो जाता या नहीं हो जाता? लेकिन पुराना सेक्शन 37(1) क्या कहता था कि बिल डालेगा और सामने वाले के 2A में आ जाएगी। उसने कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं लगा रखी थी कि तुम्हें GSTR 1 ऐसे भरनी है, इस टाइम तक भरनी है, ऐसी कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं लगा रखी थी। उसने सिंपल क्या बोला था, हर 10 तारीख को फाइल कर देना, डेट बढ़ाकर 11 तारीख कर दी गई थी। क्या पुराने लॉ में लिखा हुआ था कि अगर तुमने ड्यू डेट के बाद फाइल करी तो सामने वाले को ITC नहीं मिलेगा? ऐसा क्या सेक्शन 37 में लिखा हुआ था? नहीं, लिखा हुआ था। तो इस चीज को ये लोग 2B से मैनेज करते थे कि भाई जो तुम्हारे 2B में नहीं आया हम तुम्हें उसका ITC नहीं देंगे। तो क्या ये डिस्प्यूट बढ़ सकता है या नहीं बढ़ सकता? अब मैं तो कोर्ट में जाऊंगा। मैं कोर्ट में जाके क्या कहूंगा कि भाई सामने वाले ने GSTR 1 डाल दी, मुझे उसका क्या मतलब, मेरी तो सारी कंडीशन ITC की सेटिस्फाई है, तो मैं तो ITC क्लेम करूंगा, क्योंकि भाई सप्लायर के ऊपर तो मेरा कोई जोर जबरदस्ती नहीं है ना। लेकिन अगर लॉ के अंदर ये लिख दे कि सप्लायर तुझे इसी डेट तक GSTR 1 फाइल करनी है तभी ITC मिलेगा, तो मजा आ जाएगा या नहीं? तो डिस्प्यूट कम हो जाएंगे या नहीं? क्योंकि यहाँ पर सप्लायर क्या कह रहा है, मैंने तो बिल डाल दिया, मेरी तो कोई गलती नहीं है, पोर्टल ले रहा है मैंने डाल दिया, लेकिन उसने वो बिल गलत डाला है, बाद में डाला है। जी इन केस कि सपोज किसी ने 2A के अकॉर्डिंग अपना 3B फाइल की है, 2B के अकॉर्डिंग नहीं की है, और कोई नोटिस आ जाता है कि आपके 2B में रिफ्लेक्ट नहीं हो रही है, तो ये हम पुराना लॉ दिखाकर हम उसको जस्टिफाई कर सकते पुराना हैं। लॉ दिखाकर हम लोग डिस्प्यूट क्रिएट करते हैं कि भाई पुराने लॉ में कहीं ये नहीं लिखा, तो इन्होंने कहा नहीं अब हम लॉ को चेंज करते हैं। तो इन्होंने क्या करा है, सेक्शन 37 में एक वर्ड ऐड करा है। क्या ऐड करा है? एक वर्ड। उन्होंने क्या बोला है, देखो सेक्शन 37 पुराना क्या कहता था, एवरी रजिस्टर्ड पर्सन, कि जो भी रजिस्टर्ड पर्सन होगा, ठीक है, कंपोजिशन को छोड़ के, TDS TCS वालों को छोड़ के, सेल फर्निश इलेक्ट्रॉनिकली, ठीक है ना, कि वो एक रिटर्न फाइल करेगा। लेकिन यहां पर एक वर्ड ऐड करा है, सब्जेक्ट टू सच कंडीशन एंड रेस्ट्रिक्शन, कि भाई हम तुम पे क्या लगाएंगे, कुछ कंडीशंस लगाएंगे और कुछ रेस्ट्रिक्शंस लगाएंगे, ठीक है, बिफोर द 10th डे, ये तो पहले भी था, ठीक है, सब्जेक्ट टू सच कंडीशन एंड रेस्ट्रिक्शन विद इन सच टाइम एंड मैनर एज मे बी प्रिस्क्राइब, कि जो ये आप बिल डालोगे वो कम्युनिकेट होंगे किसे, रिसिपियंट को, लेकिन कुछ कंडीशन और रेस्ट्रिक्शंस के साथ। तो यहां पर सेक्शन 37 में दो जगह ये वर्ड ऐड करिएगा, एक तो रिसिपियंट को कम्युनिकेट होने में और एक सप्लायर जो वो डिटेल डालेगा। अब यहां से क्या करना चाह रहे हैं कि आपने देखा होगा जो एक 2B बनकर आता है इसमें ये आता है कि ITC अवेलेबल और ITC नॉट अवेलेबल, तो यहां पर ये कंडीशन डाल दें कि भाई जो बिल आप टाइम से डाल दोगे तो वो तो कम्युनिकेट हो जाएंगे, ITC अवेलेबल
आईटीसी अवेलेबल में, और जो आप टाइम से नहीं डालोगे वो किसमें हो जाएंगे, आईटीसी नॉट अवेलेबल में। तो अब जो रिसिपियंट होगा वो झगड़ा नहीं करेगा, क्योंकि सेक्शन 37 में हम ये कंडीशंस और रेस्ट्रिक्शंस डाल देंगे। तो सेक्शन 37(1) क्लियर हुआ कि क्या अमेंडमेंट कर रहे हैं, क्या अमेंडमेंट कर रहे हैं 37(1) में, क्या कर रहे हैं अमेंडमेंट, ये कुछ रेस्ट्रिक्शंस लगा रहे हैं कि भाई ये रेस्ट्रिक्शंस आप पे लग जाए। समझ आई या नहीं, बोलो। हाँ क्लियर है। तो यहां पर हमने एक अमेंडमेंट का इम्पैक्ट देखा कि भाई इम्पैक्ट क्या होगा। तो यहां पर लिखा है सबसेक्शन 1 टू बी अमेंडेड टू प्रोवाइड द कंडीशन एंड रेस्ट्रिक्शन थ्रू रूल्स। भाई ये रूल्स भी बनाएंगे, उसमें कंडीशन लगाएंगे फॉर फाइलिंग GSTR 1 एंड फॉर पासिंग द क्रेडिट टू द रिसिपियंट, कि रिसिपियंट को क्रेडिट पास होने की कंडीशन कहां से फ्लो हो जाए, सेक्शन 37 से फ्लो होकर यहां पर आ जाए 282। क्लियर है। अब यहां पर कंडीशन फॉर क्लेमिंग एंड पासिंग द आईटीसी एंड कम्युनिकेशन, यहां पर कम्युनिकेशन की भी बात हो रही है ना, टू द रिसिपियंट विल बी इनकॉर्पोरेटेड विद सेक्शन 37 इटसेल्फ। अब ये वाली कंडीशन कहां से लग जाएगी, 37 में अपने आप ही लग जाएगी। समझ में आई मेरी बात या नहीं, है या नहीं है, बोलो जी। ये वाला जो वर्ड है ये इन्होंने इंसर्ट करा है, बोलो क्लियर हुई ये वाली बात या नहीं। हाँ, अब इन्होंने यहां पर सेक्शन 37 में एक वर्डिंग लिखी हुई थी कि भाई 11 तारीख से लेकर 15 तारीख तक एक वर्ड लिखा हुआ था कि 11 से 15 तारीख तक कोई भी सप्लायर अपनी GSTR 1 नहीं भरेगा। ये किसमें लिखा हुआ था, सेक्शन में लिखा हुआ था, प्रोविजो में। अगर किसी ने पुराना सेक्शन 37(1) पढ़ो, क्या इसका प्रैक्टिकली यूज हो रहा था अभी? तुम 11 को भी फाइल कर दो, 12 को भी कर दो, 13 को भी, 14 को भी, 15 को कोई दिक्कत थी, कोई रोकता था? उन्होंने कहा जब इसका यूज ही नहीं हो रहा तो इस वाली चीज को क्या कर दो, डिलीट कर दो। क्या कर दो, डिलीट। तो ये वाली क्लोज को क्या कर दिया गया, डिलीट। ठीक है, तो सेक्शन 37(1) का क्लियर हुआ या नहीं, बोलो। हाँ, अब सेक्शन 37(2) क्या कहता था, सेक्शन 37(2) में एक अमेंडमेंट ला रहे हैं और इस सेक्शन को क्या कर दे रहे हैं, डिलीट, ये ओमिट कर दे रहे हैं। सेक्शन 37(2) ये कहता था कि जो भी बिल आप GSTR 1 में डालोगे वो सामने वाले के 2A में रिफ्लेक्ट होंगे, कम्युनिकेशन होगा, इस चीज की बात करता था। तो अब इसे क्या कर दे रहे हैं, ये डिलीट। तो कहते हैं प्रोविजन रिलेटेड टू कम्युनिकेशन एक्सेप्टेंस एंड रिजेक्शन, क्या था प्रोविजन, कि वो यहाँ से बिल डालेगा वो एक्सेप्ट करेगा या रिजेक्ट भी कर सकता है, उसे हम क्या कर रहे हैं, इनवॉइस हैज बीन एंड हैंस सेक्शन 37 हैज बीन डिलीटेड। क्योंकि ये वाली जो बात है 37(2) की, ये इन्होंने किसमें लिख दी, ऊपर ही लिख दी, 37(1) में ही ये बात लिख दी कंडीशन और रेस्ट्रिक्शन वाली। तो क्या 37(2) का कोई यूज था, नहीं था, तो इन्होंने इसे क्या कर दिया, डिलीट कर दिया। समझ आई ये वाली अमेंडमेंट। हाँ, 37(2) डिलीट क्यों हुआ, क्योंकि 37(2) जब आप पढ़ोगे तो उसमें किसकी बात होती है, एक्सेप्टेंस की, रिजेक्शन की, और ये वाली चीज हम किसमें इनकॉर्पोरेट कर रहे हैं, 37(1) में ही हमने रेस्ट्रिक्शन लगा दी, तो इसका कोई यूज नहीं रहा, तो इन्होंने डिलीट कर दिया। क्लियर हुआ 37(1) और 2 की अमेंडमेंट, बोलो। हाँ जी, अब आते हैं 37(3). 37(3) में क्या कहता था, 37(3) बात करता था किस चीज की, अमेंडमेंट की, किसकी, वो ये कहता था कि जो बिल तुमने GSTR 1 में डाले और वो रिसिपियंट से मिसमैच है, क्या है, मिसमैच है, कौन से सेक्शन में मिसमैच है या अनमैच है, सेक्शन 42 और 43। अब ये दोनों सेक्शन डिलीट कर दिए गए, उन्होंने कहा जो सेक्शन 42 और 43 है मैचिंग और मिसमैचिंग का, अगर आपको याद हो करंट कोर्स में मैंने सेक्शन 42-43 नहीं पढ़ाया। क्यों नहीं पढ़ाया मैंने आपको 42-43, क्योंकि मैंने ये बोल दिया था कि ये सेक्शन क्या होने वाले हैं, डिलीट होने वाले हैं, तो इन्हें पढ़ाने का कोई लॉजिक नहीं है, क्योंकि 42 और 43 में क्या बात थी, मैचिंग की। उस मैचिंग को ये सेक्शन 37 से ही डील कर रहे हैं और सेक्शन 38 से ही, तो ये दोनों सेक्शन क्या हो चुके हैं, डिलीट। अब सेक्शन 37 में लिखा हुआ है कि अगर तुम्हारे मैचिंग होगी या मिसमैच होंगे कोई भी बिल, कौन से सेक्शन में, 42 और 43, अब ये डिलीट हो गए, तो क्या इन लाइनों का कोई यूज है, नहीं, तो इन्होंने यहां से ये लाइन डिलीट कर दी। तो इन्होंने क्या लिखा है, एनी रजिस्टर्ड पर्सन हु हैज फर्निश्ड द डिटेल अंडर सबसेक्शन 1 फॉर एनी टैक्स पीरियड शैल अपॉन डिस्कवरी ऑफ एनी एरर, मतलब कि अब मिसमैच वाली एरर नहीं,
अगर अब तुम्हें कोई भी एरर खुद ही पता लग जाती है, या जो हम 1 और 2 की मैचिंग मिसमैचिंग कर रहे हैं, 42 43 की नहीं, अगर आपको कोई भी एरर पता लग जाती है तो आप उसे ठीक कर सकते हो। क्या कर सकते हो? ठीक कर सकते हो। ठीक कब से कर सकते थे? तो 37(3) में लिखा हुआ था कि जो आप सितंबर की 3B फाइल करोगे, कब? सितंबर की जो 3B एक्चुअल उसकी जो ड्यू डेट होगी, तब तक आप अमेंडमेंट कर सकते हो। तब तक आप क्या कर सकते हो? अमेंडमेंट। तो अब इन्होंने इस सेक्शन में क्या चेंज करा? एक तो ये 42 43 हटा दिया। क्यों हटा दिया? ये क्लियर हुआ क्यों हटाया? क्योंकि ये सेक्शन ही डिलीट हो गए। तो इन्होंने अब क्या बोला कि आप कोई भी गलती, क्या कह रहा है यहां पर, आप कोई भी गलती ठीक कर लेना। कब तक ठीक कर लेना? 30 नवंबर तक। कब तक ठीक कर लेना? 30 नवंबर। तो जो हमारी डेट्स, हमारी 3B की ड्यू डेट्स तक होती थी, उसे ठीक करने का टाइम बढ़ा दिया गया। 3B की एक्चुअल डेट कब होती होगी? 3B की एक्चुअल डेट 20 अक्टूबर, 22 अक्टूबर या 24 अक्टूबर। जर्नली सब लोग तभी फाइल कर देते होंगे, लेकिन अब इसे अक्टूबर से बढ़ाकर कितना टाइम कर दिया गया? 30 नवंबर कर दिया गया। कि भाई 30 नवंबर तक तुम्हें अगर अपनी GSTR 1 में कोई गलती मिले, आप उस गलती को ठीक कर लेना। ठीक है? नहीं, अब यहां पर समझो ना, रिटर्न मत समझो, आप रिटर्न मत समझो। आपको यहां पर कह रहा है कि तुम्हें जो गलती है, अब आप इसे 30 नवंबर तक ठीक कर लेना। अब यहां पर एक क्वेश्चन आएगा कि सर 30 नवंबर तक ठीक करने का मतलब क्या है? भाई GSTR 1 की गलती तो 1 से ही ठीक होंगी। ठीक है, 1 की गलती तो 1 से ही ठीक होंगी। तो 1 GSTR 1 अक्टूबर की कब जाएगी? 11 नवंबर, है ना? तो अगर आप या तो 11 नवंबर तक ठीक कर लो, या अगर आप लेट फाइल कर रहे हो तो 30 नवंबर तक भी आप इसे ठीक कर सकते हो। क्लियर है या नहीं? तो इन्होंने क्या बोल दिया कि कोई भी गलती GSTR 1 में कब तक ठीक कर सकते हो? 30 नवंबर। पहले यहां पर मुझे एक दिक्कत हुआ करती थी। ये कहता था कि भाई अगर तुम B2C का कोई इनवॉइस है, ध्यान से समझना इस चीज को, मेरा सर सोना क्लास में मना है, ठीक है, पैसे देकर भी क्लास में सोना मना है, ठीक है, नई चीज पढ़नी है, ठीक है। तो यहां पर इस चीज को समझना कि भाई मैं हमेशा जब सेक्शन 37 पढ़ाता हूँ, तो मैं सब सेक्शन 3 में एक चीज बताता हूँ कि अगर किसी व्यक्ति ने बिल था B2B, बिल क्या था, और उसे गलती से किसमें डाल दिया? B2C में। तो प्रैक्टिकली लोग बात क्या करते थे कि नेक्स्ट मंथ में B2B में से, सॉरी, B2C में से लेस कर देते थे और B2B में डाल देते थे। तो मैं इसका विरोध करता था। क्यों विरोध करता था? क्योंकि यहां पर अमेंडमेंट किस चीज की अलाउ थी? जो मिसमैच वाले बिल थे, किसकी अलाउ थी? मिसमैच वाले बिल, ठीक है ना? और ये जो B2C वाली एंट्री है, ये तो मिसमैच आई नहीं। तो मैं कहता था आप अमेंडमेंट कर ही नहीं सकते। लेकिन अब इस क्लोज को हटने के बाद मैं हमेशा ये कह सकता हूं कि अगर गलती से तुमने कोई एंट्री B2C में डाल दी, तो आप उसे किस में डाल देना? B2B में। क्योंकि अब कौन कौन सी गलतियों को ठीक कर सकते हो आप? सारी गलतियां। कोरी पहले कौन सी गलतियों को ठीक करते थे? जो अनमैच रहती थी। जो क्या रहती थी? अनमैच रहती थी। सर में तो फिर भी क्या नाम, एक पॉइंट है, एक ही बार 1 महीना चेंज होगा। ठीक है, तो वो अमेंडमेंट तो एक ही बार होंगी, ठीक है ना? अब यहां पर इस चीज को आपको क्लियर हुई या नहीं हुई? हाँ जी बोलो। क्योंकि अमेंडमेंट तो पहले भी एक बार होती थी, अब भी एक बार होगी, लेकिन अब ये वाला कंसेप्ट क्लियर हुआ कि उन्होंने मिसमैच मैचिंग वाली नहीं बात बोली। ठीक है, इन्होंने क्या बोला? कोई भी गलती हो ठीक कर लेना। कब तक ठीक करने की बात बोली? तो बेटर हो जाएगा ये ऑप्शन, यानी कि भाई हमें 30 नवंबर तक का मौका मिल गया, हम 30 नवंबर तक आराम से करेंगे। हाँ वो तो है ही, वो तो है ही। ठीक है, इतना मैं मानकर चल रहा हूँ कि तुम इतने समझदार हो कि मैंने कौन सी डेट बढ़ाई है, सितंबर वाली बढ़ाई है, वो 30 नवंबर तक बढ़ाई है, और एनुअल रिटर्न, ठीक है, फाइलिंग ऑफ एनुअल रिटर्न विच एवर इज अर्लियर। और मैं ये मानकर चल रहा हूँ कि तुम मेरी क्लास देखने के बाद इतने समझदार हो गए हो कि आप अपनी एनुअल रिटर्न टाइम पे ही फाइल करते हो, टाइम से पहले फाइल नहीं करते हो। ठीक है ना, समझ में आई ये वाली बात? यानी तो मैं इस क्लोज को इसलिए ऐसे ही पढ़ रहा हूँ। ठीक है, अब कोई महाशय निकल जाए, वो कहता है जी मैं तो नहीं, 31 दिसंबर को GSTR 9 की डेट होती है, मैं तो अक्टूबर में करूंगा। कर ले भाई, तब तो तेरी वो डेट अक्टूबर ही आ जाएगी। समझ में आया? 37(3)। हाँ, अब एक नया सेक्शन आपके सामने आ रहा है। ठीक है,
पिक्चर में एंट्री हो रही है सेक्शन 37(4) की। आज से पहले आपने सेक्शन नहीं देखा था, आप इसे पहली बार सुनने जा रहे हो, पहली बार पढ़ने जा रहे हो, तो बढ़िया से पढ़ना। सेक्शन 34 क्यों बनाया गया अभी एक चीज बताओ मुझे, ठीक है? ये आपको किसी किताबों में नहीं मिलेगा, जितनी किताबें तुम प्रिंट करके पढ़ रहे हो ना, किसी में नहीं मिलेगा। क्योंकि कोई व्यक्ति इतना रिस्क कहाँ लेता है कि किताबें छपवाए, क्योंकि ये सेक्शन तो आएंगे कब? फरवरी 2022 में, ठीक है? लेकिन हम पहले ही पढ़ा रहे हैं। जब न्यू रिटर्न आया था ना NX1 और NX2, उसके आने से 3 महीने पहले मैंने पढ़ाना शुरू कर दिया था, और मेरी उस वीडियो पर 1 लाख से ज्यादा व्यूज थे। अब कई लोगों ने कहा कपिल जैन तो मेहनत बेकार हो गई, क्योंकि न्यू रिटर्न्स को मैंने इतना पढ़ा था, मैंने और हमारे पार्टनर ने, और हमें उम्मीद थी न्यू रिटर्न्स आएगी, न्यू रिटर्न्स लेकिन नहीं आई। लेकिन क्या हम उम्मीद छोड़ दें अब? क्या मैं सेक्शन 37(4) ना पढ़ाऊँ अभी? क्या मैं फरवरी में पढ़ाऊँ? नहीं भाई, मैं इसे आज पढ़ा रहा हूँ कि जब आप क्लाइंट के सामने बैठ के बात करो तो पूरी दुनिया उसे 37(3) तक पढ़ाए, लेकिन तुम्हारी डेस्क पे क्या लिखा हो? 37(4) भी हो। तो इस बार की जो हमारी मैगजीन आएगी ना नवंबर की, yes, उसमें ये हमने पूरा 15 पेजेज का कंपाइलेशन दिया है, ठीक है? क्योंकि हमारी मैगजीन ऐसी होनी चाहिए जो कोई और ना करता, ठीक है? 37(4) क्या कहता है सुनो, तुमने एक सेक्शन पढ़ा था 39(10), और मुझे पूरी उम्मीद है ये तुम्हें याद नहीं होगा, ठीक है? 39(10) क्या कहता था सेक्शन? ये कहता था, अगर आपने अप्रैल की 3B फाइल नहीं करी तो हम तुम्हें मई की नहीं करने देंगे, ये चीज कहता था। क्या ऐसी बात GSTR 1 में होती थी क्या? कई बार तो पता ये लगता था GSTR 1 में पिछले साल की GSTR 1 फाइल है नहीं, और किसी व्यक्ति ने अब की करंट की कर दी फाइल, होता था या नहीं? अगस्त सितंबर की फाइल कर दी। अब भाई कंसल्टेंट भी क्या देखता है, पिछली कौन सी रिटर्न फाइल है? वो कहता है हाँ सितंबर तक की अपडेट है, आगे तक की फीस ले लेते हैं, लेकिन उसकी पिछली GSTR 1 फाइल नहीं होती। क्या ये गलत था या नहीं था? गलत था। क्या इन्हें ये लॉ में नहीं लिखना चाहिए था? सेक्शन 37 में बात नहीं डालनी चाहिए थी? इन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ कितने साल बाद? 4 साल बाद इन्हें एहसास हुआ कि ये GSTR 1 में लोग पागल बना देते हैं, ठीक है? अब पीछे की फाइल नहीं होती, आगे की फाइल करते। इन्होंने सेक्शन 37(4) में ये बात डाली, नया सेक्शन इंट्रोड्यूस किया, और क्या लिखा? ए रजिस्टर्ड पर्सन शैल नॉट बी अलाउड टू फर्निश द डिटेल ऑफ आउटवर्ड सप्लाई अंडर सबसेक्शन 1, अभी हम GSTR 1 की बात ही कर रहे हैं, ठीक है, फॉर ए टैक्स पीरियड इफ द डिटेल ऑफ आउटवर्ड सप्लाई फॉर एनी ऑफ द प्रीवियस टैक्स पीरियड हैज नॉट बीन फर्निश्ड बाय हिम। तो मतलब अब ये जो GSTR 1 वाला कलेश था कि पिछली फाइल नहीं करी करंट की कर दी, वो यहाँ पर खत्म हो जाएगा। लेकिन गवर्नमेंट को डर है पता नहीं क्या हो जाए, तो इन्होंने कहा कि अगर हमारा बस चला तो हम कुछ लोगों को माफ कर देंगे, कहेंगे कोई बात नहीं तूने पिछली नहीं फाइल करी करंट की कर दी, ठीक है? ये गवर्नमेंट ने अपने पास ये चीज रखी है। क्या लिखा है? प्रोवाइडेड डेट द गवर्नमेंट मे ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ काउंसिल बाय नोटिफिकेशन एंड सब्जेक्ट टू सच कंडीशन रेस्ट्रिक्शन एज दे मींस अलाउ ए रजिस्टर्ड पर्सन और द पर्सन टू फर्निश द डिटेल ऑफ आउटवर्ड सप्लाई अंडर सबसेक्शन 1 इवन इफ ही हैज नॉट फर्निश द डिटेल ऑफ आउटवर्ड सप्लाई फॉर 1 or more प्रीवियस टैक्स पीरियड। मेरे हिसाब से जब ये बजट में डिस्कशन में जाएगा तो कोई समझदार व्यक्ति होगा तो कहेगा इसे डिलीट करो। ऐसा कौन सा केस होगा जिसमें तुम अलाउ करने वाले होंगे? ऐसा कोई केस नजर हमें आ रहा है तुम्हारी कि कह दे कि चलो तुमने नहीं फाइल करी पुरानी तो रहने दो करंट की कर दो? ऐसा हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। तो ये जब मैं कहता हूँ ना कि जब बजट आएगा तो कुछ चीजें चेंज हो सकती है, तो मेरे हिसाब से इस तरह की चीजों को हटा देना चाहिए, है या नहीं है? यस सर। ठीक है, ठीक है, हाँ जी। क्या मे बी उस केस में हो सकता है अगर GSTR 3 भी नील फाइल की हुई हो तो गवर्नमेंट अलाउ कर दे? नहीं, मुझे नहीं लगता इसमें कुछ अलाउ करेंगे, लेकिन फिर भी देखते हैं। लेकिन सेक्शन क्या कहता है? हमारे को ऊपर सेक्शन पे जोर देना है। 37(4) क्या कहता है? अगर पिछली GSTR 1 फाइल नहीं करी तो नेक्स्ट की नहीं करने देंगे। इसका इम्पैक्ट क्या आएगा? तो मैंने यहाँ पर लिखा है, सिमिलर टू सेक्शन 39(10) ए न्यू सेक्शन 37(4) हैज बीन इंसर्टेड टू रेस्ट्रिक्ट रजिस्टर्ड पर्सन टू फर्निश GSTR 1 फॉर ए टैक्स पीरियड इफ द GSTR 1 फॉर एनी प्रीवियस हैज नॉट बीन फर्निश्ड बाय हिम। लेकिन गवर्नमेंट क्या कर देगी, 37(4) में हो सकता है किसी को
रिलैक्सेशन दे दे, हालांकि मुझे नहीं लगता देगी किसी को, लेकिन फिर भी उन्होंने अपने पार्ट पे ये चीज लिख के। तो 37 की अमेंडमेंट क्लियर हुई या नहीं? यस सर। हाँ कि क्या क्या अमेंडमेंट होगी? हाँ जी आगे चले, चलिए अब आगे चलते हैं, आगे सेक्शन 38। अब मैं आपकी फुल अटेंशन चाहता हूँ, फुल अटेंशन। फुल अटेंशन का मतलब क्या है? बिल्कुल ऐसे एकदम बैठ जाओ। सर ऐसा फुल अटेंशन क्यों चाहिए? ये जो सेक्शन 38 था, ये जब जीएसटी में आया 2017 से, शुरुआत के मैंने 10-20-50 बैचों में पढ़ाया, फिर ये सेक्शन इंप्लीमेंट ही नहीं होता था प्रैक्टिकली, फिर मैंने सेक्शन 38 आपको शायद नहीं पढ़ाया, नहीं पढ़ाया ना करंट बैच में। क्यों नहीं पढ़ाया मैंने करंट बैच में? क्योंकि मुझे पता था इसका कोई यूज नहीं है। और अब उन्होंने क्या करा, उन्होंने पूरे सेक्शन पे 38 पे काटा लगाया पुराने पे, और एक नया सेक्शन लेकर आए सेक्शन 38। और ये जो नया सेक्शन 38 है, ये इतना खतरनाक है कि तुम्हारे अभी रोंगटे खड़े हो जाएंगे इस सेक्शन को सुनने के बाद। ये सेक्शन 38 किस चीज की बात करता है कि क्या ITC तुम्हें मिलेगा। पुराना 38 क्या बात करता था कि तुम खुद अपनी इनपुट में डिटेल डाल लो, लेकिन ये कहता नहीं, ये कहता है मैं तुम्हें बताऊंगा कौन सा ITC तुम्हें मिलेगा, कौन सा नहीं मिलेगा। और इसमें इसने 6 क्लोजेज ऐसी लिख दी कि अगर आपके सप्लायर ने इन 6 में से कोई भी एक गलती कर दी, इन 6 में से कोई भी एक गलती कर दी तो तुम्हारा ITC गया डूब। तो मैं वो आपको बताने जा रहा हूँ, सेक्शन 38 नया वाला। कौन सा जी? नया वाला 38 क्या होगा और आफ्टर अमेंडमेंट क्या होगा, ये सारी चीज़ें डिटेल में डिस्कस करी है। और ये हमारी जो है ये मैगजीन है, ये जो जहाँ से मैं पढ़कर बता रहा हूँ, ये क्या है, हमारी मैगजीन है, जिससे कि आप इसे ले लो, और लेकर अगर आपको फ्यूचर के लिए रखनी है, किसी को पढ़ाना है, तो आप ये चीज़ें उसे पढ़ा दो, ठीक है। ये हमने लगभग 14-15 पेजेस का ये कंपाइलेशन करा है। सर ये करा कहाँ से आपने कंपाइलेशन? हम आपकी मैगजीन पर क्यों यकीन करें? तो भैया अगर आपको हमारी मैगजीन पर यकीन नहीं है तो मैं आपको बता देता हूँ ये हमने करा कहाँ से, ठीक है। ये कंपाइलेशन ये जो हमने करा है, ये आप वेबसाइट पर जाना GST काउंसिल पे। किस पे जाना जी? GST काउंसिल। तो GST काउंसिल की जो मीटिंग है उसका एजेंडा होता है, उसके मिनट्स होते हैं कि जो हमने मीटिंग्स में बोला है वो हम मिनट्स में लिख रहे हैं, और ये हमारा एजेंडा है, हम ये चीज़ें कहते हैं, और ये एक फुल प्रूफ होता है कि ये वाले चेंजेज आएंगे। तो अगर आप देखो तो सेक्शन 16 के चेंजेज मैंने आपको बताए, साथ में इन्होंने ये भी बताया कि भाई हम ऐसी अमेंडमेंट कर क्यों रहे हैं, ठीक है, क्या क्या अमेंडमेंट होगी सजेस्टेड इन्होंने बताया, ठीक है, सेक्शन 16 में, ऐसे ही सेक्शन 37 में बताया। तो इस सारी चीज़ों को पढ़ने के बाद ये हमने मेहनत करके, हमारी टीम ने मेहनत करके ये आपको मैगजीन बनाकर दी है कि जिससे कि आपको ज़्यादा दिक्कत ना आए और आप ये सारा का सारा खुद ही पढ़ लें। तो अगर आपको ये क्लास देख रहे हो, इसकी मैगजीन की सॉफ्ट कॉपी आपको नहीं मिलेगी, ठीक है ना, अगर आपने सब्सक्राइब करा रखी होगी नवंबर की मैगजीन, तब आपको ये मिलेगी, ठीक है। अगर आपको ये फ्यूचर में इस क्लास को देखते हुए पढ़ना है तो इस मैगजीन को सब्सक्राइब करा लेना, अपने पास रख लेना, जिससे कि आपको ये सारी अमेंडमेंट पता लग जाए। ये लगभग हमारी 17 अमेंडमेंट्स हमारी थी जो हमने आपको लगभग 1.5 घंटे की क्लास में बताई। तो जो भी हमारे पेन ड्राइव मेंबर्स हमारी वीडियो को देख रहे हैं, उन्हें डरने की कोई बात नहीं है, क्योंकि KJ क्लासेस ने पहली बार ऐसी चीज़ें करी है कि जितनी भी अमेंडमेंट्स आएंगी टाइम टू टाइम, और उस टाइम पर आपके पास पेन ड्राइव है और वो आपकी पेन ड्राइव एक्टिव है, तो वो हम आपको टाइम से पहले देने की कोशिश करेंगे। तो जैसे ही हमारी अमेंडमेंट है ये आएगी फरवरी में, लेकिन हमने आज इस क्लास को रिकॉर्ड करके ये आपको दे दी है। फरवरी में जब ये दोबारा आएगी, दोबारा भी हम देंगे, हम ये नहीं कहेंगे पुरानी रिकॉर्डिंग देख लो, क्योंकि जब फरवरी में आएगी तो हो सकता है कुछ वर्ड्स वगैरह चेंज हो जाए, तो हम दोबारा भी देंगे, तो उस टाइम आपका रिवीजन हो जाएगा। लेकिन आज आप पहली बार ऐसा कर रहे होंगे कि KJ क्लासेस से पेन ड्राइव लेने के बाद आपको ये चीज़ का बेनिफिट हुआ कि कोई भी चीज़ समय से पहले आपको पता लग रही है। मुझे ये चीज़ इम्पोर्टेंट लगी, और लगा कि मतलब कि ये यूट्यूब के जरिए मैं आपको नहीं दे सकता, क्योंकि यूट्यूब पर अगर मैं वीडियो बनाऊँगा तो क्या 1.5 घंटे की वीडियो कोई सुनेगा? वहाँ तो 10-15 मिनट की सुनेंगे। तो इस वजह से मैंने आपको ये 1.5 घंटे की वीडियो बनाकर दी, और मेरे हिसाब से अगर मैं इसे शॉर्ट करता तो आपको ये अमेंडमेंट समझ नहीं आता, ठीक है जी। आशा करता हूँ ये आपको अच्छी लगी होगी वीडियो। थैंक यू जी।